अस्सलाम वालेकुम इस वीडियो में हम बात करेंगे एनेटमी ऑफ नोस एंड अनेटमी ऑफ़ पैरानैसल साइंसेज की तो सबसे पहले उन्होंने आपको डिवेलपमेंट बताई आप डेवलपमेंट में से जो डेवलपमेंट ऑफ़ पैरानसल साइंसिस दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट कम्पेयर टू डेवलपमेंट ऑफ नोस देखिए मैं फिर भी डेवलपमेंट ऑफ नोज का एक विक्स ओवरव्यू दे देता हूँ डेवलपमेंट ऑफ़ नोज़ का ये पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द फिफ्थ वीक ऑफ फीटल लाइफ होता है क्या थिक्ड पैचेस ऑफ एक्टोडर्म दे अपीयर ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द डेवलपिंग फेस एंड डीज आर नोन एज योर यी पैकोर्ड्स अब ऑल्फेक्ट्री पैकोट्स के साथ क्या होता है कि दे डिप्रेस एंड एंड दे फॉर्म ऑलफेक्ट्री पिट्स एंड दे डिवाइड द फ्रंटोनेसल प्रोसेस इंटू टू यानी टू में फ्रंटोनेसल प्रोसेस को डिवाइड कर देंगे जिस तरह तो यहाँ पे दिखाया हुआ ये फ्रंटोनेसल प्रोसेस है अब होता है कि ये जो फ्रंटोनेसल प्रोसेस होता है इट इज़ बेसिकली अजन काइमल स्ट्रक्चर विच इज़ कवर्ड विद एक्टोडम एंड इट ग्रोस बिटवीन द फ्लोर ऑफ प्रोरब्रेन एंड द रूफ ऑफ स्टोमोडियम फ्लो प्रोमेटिव फ्लोर पेन एंड रूफ फोटोबोडियो के दरिया में क्या बनेगा ये जो मिशन का स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज प्रोसेस अब ये जो फ्रंटोने इट इट सेल्फ विल डिवाइड इन टू टू इट बेसिकली इट विल डिवाइड इन टू वन मीडियल नेसल प्रोसेस एंड टू नेसल प्रोसेस अब जो मेगजलरी प्रोसेस है जो कि उन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है इस मेगजलरी प्रोसेस का काम है इसने इन तीनों जो प्रोसेस हैं इनके साथ फ्यूज़ होना है मीडियल नेसल प्रोसेस से घेरा और दो लेट्रेल नेसल प्रोसेस यहाँ पर ए मेजनरी प्रोसेस इट विल फ्यूज विद द लेटर नेसल प्रोसेस ऑन इट साइड एंड विल ऑल्सो फ्यूज विद द मीडियन नेसल प्रोसेस और किस तरह फ्यूज़ करेगा वो हमको याद करने की जरूरत नहीं है एंड जैसे ही फ्यूज़ हो जाता है वैसे ही होता है जो अलफेक्ट्री पिट्स बनी थी दे विल कन्वर्ट दिन सेल्फ इंटू शॉर्ट ट्यूब्स विच विल फॉर्म द प्रमेटिव नेजल कैविटी यानी पिट्स ही हमारे पास नेजल कैविटी निकलेगी एंड एज वी नो निजल कैटी इट इस डिवाइडेड बाय नेजल सेप्टम तो उसमें प्रेमेटिव नेजल सेप्टम भी बनेगा एंड जो प्रेमेटिव पैलेट होता है प्रेमेटिव पैलेट इस तरह फॉर्म होता है कि जो फ्रंटो नेजल प्रोसेस की बैकवर्ड ग्रोथ होती है उससे और पैलेटाइन प्रोसेस फ्रॉम द मेगजटरी प्रोसेस जो मेगजरी प्रोसेस है उसमें से पैलाटाइन प्रोसेस निकलेगा एंड एवं होगा क्या कि दैलेटाइन प्रोसेस प्रोसेस ऑफ ईच साइड दे विल यू विद इच अदर एंड विद द नेजल सेप्ट्रम इन द मिडलाइन एंड दे विल सेपरेट द नेजल कविटी फ्राम द ओर कैविटी तो ये एक बस ओवरव्यू था डेवलपमेंट ऑफ नोज़ का पैानिजल साइनस की डेवलपमेंट का ये पता होना चाहिए कि इन द थर्ड या फोर्थ मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ लेकिन यूजी जो मैगजरी एथमोइड और स्किनोइड साइनस होते हैं वो हमारी फोर्थ फीटर लाइफ में डेवलप होना शुरू करते हैं एंड दे आर प्रेजेंट बाई बर्थ वेर एस जो फ्रंटल साइनस है फ्रंटल साइनस के याद रखना है कि फ्रंटल साइनस इज़ एबसेंट एट बर्थ और ये यूजली डेवलप करता है सेवन टू एट ईयर ऑफ चाइल्डहुड लाइफ में एंड जब ये कहते हैं अराउंड ट्वेंटी इयर्स ऑफ एज हमारे जितने भी चारों साइनसेज होते हैं जो चारों पेरानिजल साइनसेस होते हैं वो फुली डेवलप्ड हो चुके होते हैं तो ये थोड़ी सी एम्ब्रियोलॉजी थी अब हम बेसिक एनाटमी पर आते हैं एनेटमी ऑफ नोज पे पहले आ जाते हैं जो एक्सटर्नल नोज होती है जो कि उन्होंने यहाँ पर दिखाई है दिस एक्सटर्नल नोज वी नो इट इज़ पेरामिडल इन शेप एंड इट इस बेसिकली फॉर्म ऑफ टू पार्ट्स बोनी पार्ट एंड कार्टोलिजीनियस पार्ट जो बोनी पार्ट है बोनी पार्ट किस चीज़ से फॉर्म होता है नेजल प्रोसेस ऑफ द तो फ्रंटल बोन नेजल बोन्स एंड असेंडिंग प्रोसेस ऑफ द तो मैगजिला जो कार्टेजनियस पार्ट है कार्टिलियस पार्ट किन चीज़ों से फॉर्म होता है जो कि उन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ भी है एक तो ये वाला पोर्शन, ये जो ब्लू साय हो पीछे सवन नज़र आ रहा हो यहाँ पर उन्होंने फ्रंट व्यू भी दिया हुआ या लेटर व्यू भी दिया हुआ है अपर लेटर कार्टिलच उसके अलावा फिर ये आगे को जो आता है ये वाला ये जो ये वाला जो है दिस इज नोन एज लोअर लिटरल काटलेज या इसका एक और नाम है ग्रेटर एल आर काटलेज और इसके बिल्कुल पीछे ये जो छोटा सा है दिस इज नोन एज लेसर एल आर काटलेज तो इन कार्टलेज से एक्सटर्नल नोस का कार्टलेज पार्ट फॉर्म हुआ हुआ है एंड एक और काटलेज होता है विच इज़ नोन एज क्वाड्री क्वाड्रेंगुलर काटलेज या उन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है क्वाड्रीलेटेड कार्टलेज हाँ दिस क्वाड्रीलेटेड कार्टलेज या दिस क्वाड्रेंगुलर कार्टलेज ये बेसिकली जो हमारे पास जो लोअर लेटर काटलेज है जिसका नाम है ग्रेटर एल आर काटलेज उसका हम देख सकते हैं यहाँ पे मीडियल क्रूर है ये लेटरल क्रूर है यहाँ पे लेटरल साइड से और ये मिड में मीडियल क्रूर है जो मीडियल क्रूरा होता है ग्रेटर एल आर काटलेज का या जो मीडियल क्रूरा होता है लोअर लेटर काटलेज का उसके बिल्कुल बीच में नेचर सेप्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है हमारे पास होता है क्वाड्रेंगुलर कार्टिलेज और जो ये एक्सटर्नल लोज होती है जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाई है इसकी जो स्किन होती है दैट इज थिन एंड इट इज़ बेसिकली कंपोस्ट ऑफ स्पेशियस ग्लैंड्स आर्टीरियल सप्लाई क्या होती है एक्सटर्नल लोज की एक्सटर्नल लोज की आर्टीरियल सप्लाई इज मैगजरी एंड ऑफ थेलमिक कार्ट्रीज एंड इसकी वीनस ड्रेनेज इज़ एंटीरियर फेशियल नर्व और सॉरी एंटीरियर फेशियल वेन एंड ऑफ थेलमिक वैन एंड होता क्या है कि जो ऑपथेलमिक वेन होती है इट ड्रेन इट साइनस तो इसकी क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस ये है कि जब भी कोई इन्फेक्शन ऑपथेलमिक वेन के थ्रू पास हो रहा होगा सो और कहते हैं जब भी बेसिकली एक्सटर्नल नोस में कोई इन्फेक्शन होगा और थैलम एक मेन से ड्रेन कर रहा हो सो देर इज अ हाई चांस कि वो कवेरनेस साइनस में जाकर ड्रेन एंड इट विल इवेंचुअली कॉज कवेरनेस साइनस थ्रोम्बोसिस जो लिम्फेटिक ड्रेनेज नो है नोस की दैट इज योर सब लिम्फ एंड प्री ऑरिकुलर लिम्फ लिफ्रोट्स नेजल वेस्टिब्यूल क्या होता है इट इज बेसिकली प्रेजेंट एट द एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी और नेजल कैविटी प्रॉपर गिन यहाँ पे दिखाई हुई दिस इज योर नेजल कैविटी प्रॉपर बेसिकली दो इेगुलर कैविटीज होती हैं विच आर सेपरेटेड बाय द नेजल सेप्टम इनका जो एपीथीलीम होता है दैट इज़ सिलियेटेड कॉलमनार एपीथीलीम विच इज़ योर रेस्पाइटिड टाइप ऑफ एपीथीलियम और जो इन नेजल कैविटी है इसको भी फर्दर चार चीज़ों में डि चार बाउंड्रीज में चार आ, बेसिकली हाँ चार चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है फ्लोर में रूफ में मीडियल वॉल पे और लेटरल वॉल पे तो जो उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हमको याद करनी होगी जिस तरह जो नेजल कैविटी थी पीछे उसका फ्लोर जो है फ्लोर इज फॉर्म एंटीरियरली बाय पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ वैगजिला एंड पोस्टीरियरली बाय हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ पैलेटाइन बोन अगर ये नहीं याद हो रहा ये पूरा नहीं याद हो रहा तो जो एक चीज़ याद रखनी होगी फ्लोर में वो एटलीस्ट ये याद रख लेना है कि जो फ्लोर है वो मैगजिला से बना होता है और पैलेटाइन बोन से बना होता है अगर हमको ये पूरा आपको ये ना याद हो सके कि पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ़ मैगजिला एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ पैलेटाइन बोन तो एटलीस्ट याद रख लेना है कि जो फ्लोर है इट इज़ फॉर्म बाय मैगजिला एंड योर पैलेटाइन बोन रूफ है रूफ में याद रखना है कि रूफ़ का जो मोस्ट पार्ट है दैट इज़ फॉर्म फ्रॉम द क्रिब्री फॉरम प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन ये तो हर हाल में याद रखना है उसके अलावा जो एंटीरियरली है एंटीरियरली रूफ इज़ फॉर्म बाय द नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन एंड पोस्टीरियरली इट इज़ फॉर्म बाय द बॉडी ऑफ स्पिनोड बोन अगर एंटीरियरली और पोस्टीरियर रिलेशन नहीं याद हो रहा तो एटलीस्ट याद रख लेना है कि फ्रंटल बोन और स्पिनोड बोन से बना होता है लेकिन यह हर हाल में याद रखना है कि जो मोस्ट ऑफ द रूफ है दैट इज़ मेनली फॉर्म बाय द क्रिब्री फॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन जो मीडियल वॉल होती है मीडियल वॉल पे हमारे पास नेजल सेप्टम होता है अगेन यह हर हाल में याद रखना है कि मीडियल वॉल पे सेप्टम होगा अब वो जो सेप्टम है उसको हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है बोनी पार्ट में और कार्टिलेजिनियस पार्ट में जो कार्टिलेजिनियस पार्ट है दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम सेप्टल कार्टिलेज दैट इज फॉर्म फ्रॉम सेप्टल कार्टिलेज वेयर एज जो बोनी पार्ट इज फॉर्म फ्रॉम परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन अबव एंड बिहाइंड वेयर एज वॉमर बोन फ्रॉम बिलो एंड बिहाइंड इसका ये मतलब है जिस तरह उन्होंने यहाँ फिगर में दिखाया है कि जो पोस्टीरियर पार्ट है उसका मीडियल वॉल का अबब एंड बिहाइंड किससे बना हुआ परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइट वेरस बिलो एंड बिहाइंड किस से बना हुआ वॉर्मर से हैं दोनों बिहाइंड ही हमारे पोस्टीरियर साइड पर अब है ये बिलो है अबव परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन वेरस बिलो इट इज वॉमर बोन तो ये इन्होंने उसका मीडियल वॉल का बताया था अगेन अगर ये चीज़ नहीं याद हो सकते तो ये याद रख लेना है कि मीडियल वॉल इट इज मोस्टली फॉर्म फ्रॉम नेजल सेप्ट्रम फिर हमारे पास आती है लिटल वॉल लिटल वॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दम लिटल वॉल इट इज फॉर्म फ्रॉम मैगजिला एथमॉइड बोन एंड लेक्रेमल बोन्स एंड इसके अंदर तीन टर्बिनेट्स होते हैं बेचारे सुपीरियर टर्बिनेट मिडिल टर्बिनेट एंड इन्फीरियर टर्बिनेट एंड कॉरस्पोंडिंगली उन्हीं टर्बिनेट के नीचे क्या होते हैं उनके कॉरस्पोंडिंग correspondingDI... मेटर्स होते हैं सुपीरियर टर्बिनेट के नीचे सुपीरियर मेटस मिडल के नीचे मिडिल मेटर्स और इन्फीरियर के टर्बीट के नीचे इन्फीरियर मेटस ये याद रखना है कि सबसे बड़ा जो टर्बीनेट होता है जो सबसे लार्जेस्ट टर्बिनेट होता है दट इज़ योर इन्फीरियरियरियरियरियर टर्बीनेट इन्फीरियर टर्बीनेट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द मॉल एंड जो मेटस हैं अब मेट्रसिस के जो कॉन्टेंट्स हैं वो हमको याद करने होंगे जिस तरह हमको याद रखना है कि जो सुपीरियर मेटस है सुपीरियर मेटस में पोस्टीरियर एथमोडल सेल्स की या पोस्टीरियर एथमॉयडल साइनसिस की ओपनिंग होती है सुपीरियर मेटस के अंदर पोस्टीरियर एथमॉयडल साइनस या पोस्टीरियर एथमॉयडल सेल्स डीज़ बेसिकली ओपन इन योर सुपीरियर मेटस मिडल मेटस के अंदर हमारे पास ओपनिंग होती है मैगजरी साइनस की एंटीरियर एथमॉडल साइनस की एंड फ्रंटल साइनस की पोस्टीरियर एथमॉडल जो पीरियड में था एंटीरियर रेथमोडल मिडिल मेटर्स के अंदर ओपन कर रहा होता है एंड जो मिडिल मियटर्स होता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑस्टियोमिएटर कॉम्प्लेक्स एंड ये भी याद रखना है कि मिडिल मियटर्स के अंदर एक राउंड सा बल्ज होता है जो कि उन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है दिस इज़ नोन एज बुल्ला एथमोडेलिस अब बुल्ला एथमोडेलिस से आगे जो उन्होंने पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें से जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करने को से मैं वही बता रहा हूँ बुला एथमोडलिस के आगे को और पीछे को बेसिकली दो हाइटर्स होते हैं जिनका नाम होता है हाईटेस्ट सेमिलूनैरस सेमिलूनैरस इन्फीरियर और हाइटेस्ट सेमिलूनरिस सुपीरियर हमने इनकी बेसिकली सिर्फ ओपनिंग याद रखनी है कि जो हाईटेस्ट सेमिलरस इन्फीरियर है इट विल ओपन इट सेल्फ इन टू एथम इन फंडीबुलम वेर जो हाईटेस्ट सेमिलूनरिस सुपेरियर है दैट विल ओपन इट सेल्फ इन टू लिटरल एंड जो अनसिनेड प्रोसेस होता है जो कि उन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ ये जो अनसिनेड प्रोसेस है दिस अनसिनड प्रोसेस इट बेसिकली फॉर्म्स द फ्लोर एंड द मीडियल वॉल ऑफ एथमॉयल इन फंडबुलम जो के किस जो कि किसकी वजह से ओपन हो रहा था ये स्पेस कौन आ, इसको लीड कर रहा था स्पेस तक हाईटे सेमिलस इन्फीरियर लीड कर रहा था लास्टली जो इन्फीरियर मेटर्स होता है उसके अंदर हमारे पास नेजो नेजोलेक्ट्रामल डक की ओपनिंग होती है एंड ऑल्सो ये तीनों मीटर्स के कॉन्टेंट्स हो गए जो हमारे पास सुपीरियर मेटर्स होता है सुपीरियर मेटर्स के सॉरी जो सुपीरियर टर्बिनेट होता है सुपीरियर टर्बिनेट के बिल्कुल ऊपर एक छोटा सा रिसेस होता है विच इज़ नोन एज फिनो एथमल रिसेस स्पिनो एथम रिसेस के अंदर क्या ओपन होता है स्पिनो एथमायडल रिसेस के अंदर हमारी स्पीनोइड साइनस की ओपनिंग होती है तो ये कंटेंट्स और इनकी जो मेटिस मेटाई की जो ओपनिंग्स हैं वो हमको याद करनी होगी अब नेजल कैविटी की ब्लड सप्लाई क्या के? है नेजल कैविटी की ब्लड सप्लाई आपने ये जो छोटा सा टेबल दिया हुआ है इससे बेसिकली याद कर लेंगे एक्सटर्नल लॉस करने पड़ी थी मैक्सिलरी और थेलमिक वेराज जो इंटरनल लॉस है जो कि नेजल कैविटी है नेजल कैविटी इट गेट्स इट्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम टू मेजर आर्टरीज या टू ब्रांचेस ऑफ मेजर आर्टरीज एक तो एक्सटर्नल करोटेड और इंटरनल करोटेड एक्सटर्नल करोटेड में से स्फिनो पैलाटाइन ग्रेटर पेलाटाइन और सुपीरियर लेबल आर्टरी सप्लाई uh, करेंगी नेजल कैविटी को एंड इंटरनल करोटेड में से एंटीरियर रेस्मोडल और पोस्टीरियर रेस्मोडल आर्ट्रीज सप्लाई करती हैं नेजल कैविटी को एंड एनटीरोफीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम पे हमारे पास एक क्लिनिकली इंपॉर्टेंट एरिया बनता है जो कि उन्होंने यहाँ पर दिखाया है विच इज़ नोन एज लिटल्स एरिया इस लिटल्स एरिया में बेसिकली क्या हो रहा होता है इस लिटल एरिया में हमारे पास कुछ चार आर्टरीज होती हैं उनका हो रहा होता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज किसल बैक्स प्लेगज एंड वो कौन सी चार आर्टरीज हैं जिनका हमारे पास वो होता है इनस्टोमोस होता है एक तो तीनों एक्सटर्नल क्लोटेड आर्टरीज की ब्रांचेस फिनो पैलाटाइन ग्रेटर पैलाटाइन और सुपीरियर लेबियल एंड लास्टली जो इंटरनल कैलोटेड की एंटीरियर एथमोर ब्रांच थी वो तो इन चार आर्टरीज का लिटल एरिया में एनेस्टोमोस होता है कौन सी चार होती हैं एक दफ़ा ये चीज़ याद रख लेंगे स्पीनो पैलाटाइन ग्रेटर पैलाटाइन सुपीरियर लेवल एंड योर एंटीरियर एथमॉरल आर्टरीज दे बेसिकली एनेस्टोमोस एट लिटल एरियाज एंड यहाँ से कौन सी वेनस ड्रेन करती हैं स्वीनो पैलाटाइन वेन एंटीरियर फेशियल वेन एंड एथमॉरल वेन इस एरिया से इस प्लेक्स के बिल्कुल नीचे से ड्रेन करती हैं एंड लेजर कैविटी की लिमफेटिक ड्रेनेज क्या है जो एंटीरियर पार्ट है दैट इज ड्रेन इंट सब मैं एंड अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ्रोट्स वेर एज पोस्टीरियर पार्ट है दैट इज ऑल्सो ड्रेन डायरेक्टली इन टू अपर डीप सर्वाइकल लिफ्रोट्स या इट इज ड्रेन इन टू अपर डीप सर्वाइकल लिफर थ्रू रेट्रोफेरेंजियल लिमफ्रोट्स बेसिकली जो एक लिम्फेटिक ड्रेनेज है निज़ल कैविटी के अगर एंटीरियर पोस्टेरियर ना हो दोपहर तो यह रखना है सब मैंबुलर लिफ्रोट्स एंड अपर डीप सर्वाइकल लिफर दे बेसिकली ड्रेन द निज़ल कैविटी नर्व सप्लाई के नेजल कैविटी की जो अल्फेक्ट्री नर्व है अल्फेक्ट्री नर्व का याद रखना है कि वो बेसिकली हमको स्मेल की सेंसेशन देती है अल्फैक्ट्री नर्व का खुद का अपना कोई नोज़ को सेंसेशन देने के लिए काम नहीं होता वो हमको स्मेल की सेंसेशन देती, देती है ऑल्फैक्शन की सेंसेशन देती है अल्फेक्ट्री नर्व जो चार नर्व सप्लाई करती है नेजल कैविटी को उनके नाम याद रखने होंगे अगर एरिया नहीं याद हो सके दीज आर योर एंटीरियर एथ नर्व ग्रेटर पैलाटाइन नर्व शॉर्ट स्प्रिन पैलाटाइन नर्व एंड लॉन्ग पैलाटाइन नर्व जो एंटीरियर एथोमायरल नर्व है एंड जो ग्रेटर पेलाटाइन नर्व है बोथ आर योर ब्रांचेज ऑफ ट्राइजामल नर्व एंटीरियर एथोमायरल ऑफ थेलमिक डिवीजन की वो है ब्रांच है फेरस ग्रेटर पैलाटाइन मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ नर्व की ब्रांच है एंटीरियर एथोमायर सप्लाइज द एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम एंड लेटरल वॉल ऑफ द फेरस ग्रेटर पैलाटाइन नर्व सप्लाइज इन्फीरियर टर्बिनेट एंड द मिडिल एंड इन्फीरियर मियटस शॉर्ट स्पिनो और लॉन्ग स्पिन पेलाटाइन टू आर योर ब्रांचेज ऑफ स्पिनो पैलाटाइन शॉर्ट स्पिन ऑफ पैलाटाइनस अप्लाई करती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर एंड मिडल टर्बाइन सॉरी मिडल टर्बिनेट वेर एज जो लॉन्ग स्पिन ऑफ पैलाटाइन डेट सप्लाइज योर होल नेजल सेप्टम अब लास्टली हमारे पास ये हो गई एनेटमी ऑफ नोस जो एनेटमी ऑफ पैराजल साइनसिस है उसमें से जो चार साइनस होते हैं हमारे पास मैगजरी फ्रंटल स्पिन जो बस मैं बताऊँगा वही चीज़ में से याद रखना है मैगजरी साइनस का याद रखना है कि इट इज़ ऑलसो नोन एज एंट्रम ऑफ हाई It is pyramidal in shape. It is present at the body of maxillary bone as the name suggests and its average capacity is 15 to 20 milliliters. Frontal sinus, as the name suggests, it is present in the frontal bone. It is the upward extension of anterior ethmoidal cells here anterior ethmoidal sinuses and its average capacity is 7 to 10 milliliters. साइनस का याद रखना की एवरेज कैपेसिटी इज सेवन मिलीलीटर एंड लास्टली एथमॉइडल साइनसेस का याद रखना है कि उनको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है एंटीरियर ग्रुप ऑफ एथमॉडल एंड पोस्टीरियर ग्रुप जो एंटीरियर ग्रुप थी वो हमने भी पीछे पढ़ लिया इट ओपस इन टू मिडिलस और पोस्टीरियर का भी हमने पीछे पढ़ लिया इट ओपन मीटिस सो दैट वीस एंड पैरानाइजल में आ गया एंड थैंक यू